ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि ये D6, D7, बेसिकली ध्यान में आपको किसको रखना है, D, D4, 5, 6, 7, ये शुरू से ही बता रहे हैं। तो इसी में जो है वो यहाँ पे WFL में कोई पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपका SFL में क्या होगा, पेयरिंग होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो SFL में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, एक, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। WFL में कितने हो जाएंगे, तीन, एक, दो और ये तीन आपको नजर आएंगे। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है काम यहाँ पे। और यदि 8, 9, 10 की बात करें तो इसमें इन जनरल ही वही चीज, ठीक है, ये वाला आपका रहेगा 2, 2, 2, ये कंप्लीट रहेगा, ये 1, 1, ये 1, 1, ये सेम रहेगा, WFL रहे चाहे SFL रहे ये सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये पहले ही बताए हैं। और चूंकि D10 में तो 0 हो जाएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इस पे 3D2 ही होगा, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हो जाएगा, D9 में इस पे 3D2 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है, एस पी 3D2। तो इस तरीके से ये हम लोग देख रहे थे। अब इसमें एक चीज आ जाता है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं याद रखने का तरीका, कैसे, तो ये देखेंगे। सबसे पहले ये 1 पहला इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है, उसके बाद फिर 6, ठीक है, 7, 8, 9 और 10। तो WFL के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कोई चेंजेस नहीं आता, वैसा ही रह जाता है, ठीक है, पेयरिंग वेयरिंग वगैरह कुछ होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। SFL के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगा, इसमें सारा का सारा पार्ट पूरा उसी तरीके से जाएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। WFL में क्या होगा, 1, 2, 3, फिर इसी में जाएगा 4, 5, 6, पेयरिंग होगा, याद है, ये क्या हो जाएगा, T2G वाला, और ये क्या हो जाएगा, EG वाला, और फिर कहाँ जाएगा, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे ध्यान में ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से यहाँ तक में 2 का चेंज है, 16, 14, 2 का चेंज, यहाँ से यहाँ तक में भी 2 का चेंज, 27, 25, यहाँ से ये क्या है, 2 का चेंज, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से चेंज 30 का चेंज है, यहाँ से यहाँ तक में 300 का चेंज, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देगा, ये वाला T2G और EG वाला, तो Fe स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड आ गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 में आ गया, +2 में क्या आ जाएगा, 3D6, और 3D6 के लिए हम लोग क्या दे कहते हैं, T2, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड पेयरिंग हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा, T2G, ठीक है, 2, 2, 2, काम खत्म। WFL आ जाएगा, WFL आ जाएगा तो फिर पेयरिंग नहीं करेंगे, आगे भेज देंगे, 2, 1, 1, 1, ऐसा कर देंगे। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी है, -ΔO, ठीक है, N2N T2G, नंबर ऑफ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो, ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस 0.6 ΔO × NEG, ये आपका है। और एक ये भी पूछता है आपका NEG क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, और N क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं वो, जैसे कि ये दोनों क्या हो गए, एक्स्ट्रा पेयर कैसे हुए, तो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड आने के कारण ये पेयर, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेयर। ऊपर और एक बार समझ लेंगे, जैसे ये क्या है, ये पेयरिंग थोड़ी था, ये पेयर तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये क्या हुआ, एक पेयर हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेयर, इसमें कितने हो गए, 2, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेयर, दैट इज कॉल्ड ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, ये चीज को समझना है। इसमें एक्स्ट्रा पेयर कौन होंगे, ये वाला केवल, ये वाला और ये वाला, ये एक्स्ट्रा पेयर नहीं कहलाएगा, ये एक्स्ट्रा पेयर नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग पहले से है, तो ये 2 हुए एक्स्ट्रा पेयर, यहाँ पे 2 है तो ये 2 वही हो जाएंगे, ये कहलाएंगे एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, हाँ, एन क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, NP एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, एक्स्ट्रा पेयर। तो ये निकालेंगे तो SFL आया, ठीक है, +2 आ गया यहाँ पे, 3D6 क्या आ जाएगा इसका, अब 3D6 में इसी तरीके से था, एक्स्ट्रा पेयर ये 2 हो जाएंगे इसके, तो क्या होगा, 6 × −4 ΔO 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। EG में क्या था, 0 था,
और ये क्या हो जाएगा सारा यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसका भी इस तरीके से निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो लगा हुआ उसको लगाएंगे और निकालेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं था, 3D6 कोबाल्ट का यदि बात करें, WFL नो पेयरिंग, नो पेयरिंग को नो एक्स्ट्रा पेयरिंग, और नो एक्स्ट्रा पेयरिंग को ये क्या हो जाएगा आपका जो NP था वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं, कहाँ तक, ऑक्टाहेड्रल तक। कल हम लोग देख लेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल का भी देख करके CFAC कंप्लीट खत्म कर देंगे, और कुछ कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए।